स्वागत है जी आप सबका चिडोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो में। भाई आज हम फूड ट्राई करने वाले वाघ बकरी टी लाउंज का। भाई इस ब्रांड का या तो आपने नाम सुन रखा होगा या इनकी चाय जो है ना आपने 100% कभी ना कभी जो है ना ट्राई कर रखी होगी। भाई हमने ना एक चाय की सीरीज बनाई थी जिसमें चाय चाय पॉइंट चाय सोटा बार वगैरह ट्राई कर रही थी। आज बारी है जी वाघ बकरी टी लाउंज की। अब इनसे जो है ना हमने कुछ 5-6 आइटम मंगवा लिए जी, आपको एक एक करके उनकी लुक दिखाएंगे, टेस्ट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई चलो जी बारी है जी अब इनको ओपन करने की। तो दो पैकेट के अंदर जो है ना जी हमारा सारा सामान आया है। अब एक एक करके जरा बाहर निकालते हैं इसके अंदर से सारी चीज़ों को, ठीक है। और मैं सबसे ज्यादा जो खुश हूँ ना भाई वो है जी पैकेजिंग देख के। क्यों पंकज? पैकेजिंग तो अच्छी है भाई, एक से बढ़कर एक जो है ना, मतलब सारी चीजें प्रॉपर सही से पैक होकर आई हैं। वो जो थोड़ा सा पैकेट जो खुल भी गया था वो हमारे ऐसे पकड़ने की वजह से हो गया था, तो सही है भाई। और ये है जी इनकी चाय, ठीक है जी इसको साइड रखते हैं। और ये साथ में इन्होंने दो अपने ही ब्रांडिंग के कप दिए हैं। ये एक और चीज है जी, भाई साहब कितनी चीजें मंगवा ली हैं, हैं? और ये आई साथ में, और साथ में ये भी केचप और चीनी वगैरह शुगर है। चलो जी अब एक एक करके जो है ना जो ओपन करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले ये सबसे अलग दिख रहा है, इसी को ओपन करते हैं जी। इसके अंदर क्या आया है? अच्छा ये समझ गया, ये है जी आजकल जो वायरल हो रखा है। हाँ जी हमने कहा जी सबसे पहले शुरुआत जो है जी वड़ा पाव से करते हैं। सुनने में आया भाई साहब काट वहाँ पे सारी की सारी हट गई है। हाँ आया है कल की वीडियो में। अच्छा जी इनका वड़ा पाव जी काफी सिंपल साधारण सा है। अंदर गन पाउडर है, मिर्ची है, एक छोटा सा प्यारा सा वड़ा डाल रखा है। हरी चटनी इन्होंने भी नहीं दी क्योंकि सर जी थोड़ा सा सबर कीजिए, चटनी खत्म हो गई, निकालने में 5 मिनट लगेंगे। वो वाली जो दीदी है जी वो भी नहीं देती कि वड़ा जो है ना वो सौगी हो जाता है, तो इनका भी कॉन्सेप्ट शायद वही वाला चल रहा है। पाव जो है वो एक तरह से वो जो होता है ना रेडीमेड पैकेट वाला, हाँ हार्वेस्ट टाइप का वैसा वाला ही है जी। नेक्स्ट आइटम देखते हैं जी। चलो जी अब ना इन लाल डब्बों को खोला जाए। एक के ऊपर तो लिखा हुआ है भाई कुलचा, कुलचा तो ये देखते हैं जी ये कैसा है और किस तरीके का कुलचा है। प्राइस जब इनको टेस्ट करेंगे ना जी तब साथ के साथ बताते जाएंगे, तब साथ के साथ बता देंगे जी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जी कुलचा विद ये पनीर कुलचा। पनीर कुलचा हाँ मेरे को लगा छोले हैं। अच्छा साबुत है भाई, पूरा भाई पीस। पूरा पीस है और उसके जो है ना मतलब दो कटिंग में हाफ में कर दिया। और आप इसकी क्लोज लुक देखो, अंदर स्टफिंग वगैरह सही भरी हुई लग रही है। मेरे को स्टफिंग भी अच्छी लग रही है, ऊपर से बेक भी ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं कर रखा है। हल्का चिली फ्लेक्स लगा और धनिया से गार्निश कर रखी है। और स्टफिंग तो देख लो भाई साहब बिल्कुल ही कॉर्नर तक जो है ना अच्छी डली हुई, अच्छा डला हुआ है, मतलब पनीर वगैरह काफी सही लग रहा है और वेट भी लग रहा है कि हाँ अंदर अच्छी स्टफिंग भरी हुई है। मेरे को ऐसे उम्मीद सिंगल पीस की थी। चलो जी नेक्स्ट डब्बा ओपन करते हैं। दो चीजें हमने आपको दिखा दी, वड़ा पाव और कुलचा। ये है जी समोसे। अच्छा यहाँ पे ना सारी जो चाय वगैरह वाले जो रेस्टोरेंट जो है ना ये स्नैक्स बेस्ड है। हाँ ये चाय से रिलेटेड वाली चीजें जी जो है सेल करते हैं। तो इनके पास ये दो समोसे थे जी, हमने कहा ये भी मंगवा लेते हैं। ये शुक्र है कि बेक नहीं आया, फ्राई वाला आया है और लेकिन बहुत ज्यादा ऑयली लग नहीं रहा। दो छोटे छोटे से हैं, ठीक ठाक लुक लग रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छी लुक में नहीं कहूंगा इसको। और साइज भी थोड़ा सा छोटा ही है, मीडियम साइज के समोसे हैं। बाकी जब प्राइस बताएंगे तब जस्टिफाई करना कि महंगे या सस्ता और है। टेस्ट भी बताएंगे जी आपको, ठीक है। तीन चीजें हो गई जी, चौथी चीज जी जिसके ऊपर नाम नहीं है। अच्छा ये क्या आ गया भाई? अच्छा ये हमने गार्लिक ब्रेड मंगवाई थी, चीज पुल वाली मंगवाई थी, कोल्ड गार्लिक ब्रेड, कोल्ड गार्लिक ब्रेड। ये तो कुछ अलग टाइप की आई है भाई, ये है जी कुछ गार्लिक ब्रेड का साइज देख रहा समझ। हाँ लेकिन अलग अलग टाइप की है ना, ऐसा लग रहा है जैसे वो दे दिया हो कुलचा टाइप या कुछ, कुलचा टाइप कह ले या वो क्या आता है यार गार्लिक ब्रेड जो आती है वो क्या कहते हैं यार डोमिनोज वगैरह की जो आती है स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड है। तो अंदर भाई कुछ इस तरीके से ये चीज पुल नहीं हो रहा जी, ये ब्रेड पुल हो रही है। सही बात है, चीज तो भाई सूख गया है। इसको जब गरम करेगा तब डिपेंड करता है कि होगा कि नहीं होगा, लगता नहीं है। लेकिन ना ये ऊपर से भी इन्होंने बेक कर दिया है, अंदर से भी जो है ना सारा चीज वगैरह मुझे लग नहीं रहा कि इतना डला हुआ है। तो ये ठीक है, इसका प्राइस आपको बताएंगे, बाकी गरम करके खाएंगे ताकि टेस्ट पता चल सके कैसा स्वाद। थोड़ा सा हर्ब्स वगैरह की और गार्लिक का जो है ना खुशबू आ रही है। चलो चार चीजें हमारी हो गई। नेक्स्ट है जी हमारा चिली चीज क्लब सैंडविच। अब हमने ऑर्डर किया था जी एक का, आए दो हैं। अब खोल के समझ में आएगा कि ये किस तरीके की पैकिंग आई है, यहाँ ये देते ही ऐसे हैं
या गलती से दो आए हैं जी, ये तो अभी हमें भी नहीं आइडिया। नहीं पंकज, उन्होंने पता क्या किया है, आई थिंक ये पूरा एक ही होगा, उसको उन्होंने पैक ऐसे कर दिया। अच्छा ये हाफ है ना, क्लब सैंडविच में पूरा फुल वो आता है ना, पूरा फुल आता है। अच्छा ये ना कुछ कुछ वो बॉम्बे स्टाइल का लग रहा है, अंदर आलू की स्टफिंग है इस तरफ सारी की सारी। भाई खुल ही नहीं रहा यार, बहुत ही ज्यादा वो कर रखा है यार, है ना। हाँ। समझ में नहीं आ रहा। चलो आलू समझ में आ रहा है, और एक साइड टमाटर और थोड़ी सी जो है ना जी कोई ये देख रहे हो तंदूरी या कुछ वैसे टाइप की लगी हुई है जी। तो लगे हाथ जी, ये वाला पोर्शन भी खोल के आपको दिखा देते हैं। चलो ये है जी हमारा पूरा का पूरा क्लब सैंडविच, और ब्राउन ब्रेड यूज करी हुई है जी, लग अच्छा रहा है। मे बी वीडियो में शायद ये कुछ ज्यादा ही काला आपको लग रहा हो, काला सा लग रहा है, लेकिन नेचुरली ना ये इतना ज्यादा काला लग नहीं रहा, ब्राउनिश लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मेरे को मैंने वीडियो में देखा ना, तो मैंने कहा ये काला क्यों लग रहा है, यहाँ तो ये पोर्शन काला नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं है इतना। बाकी जी ये है जी इसकी रंगत, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अब जो है जी बारी है चाय की। लो जी चाय की रंगत देख लो जी कैसी है, और हमने मंगवाई जी मसाला चाय, ठीक है जी, 200 ml चाय की। शक्ल तो जी मैं सही बताऊं अच्छी लग रही है, कप बड़े छोटे छोटे से दिए हैं, लेकिन हाँ 100 ml को होगा ये कप ना, ना छोटा लग रहा है मेरे को। बाकी चलो ये दो भर गए हैं हमारे लिए, यही काफी है जी। तो जी ये है जी सारा फूड जो हमने बाग बकरी चाय से मंगवाया है जी। अब आप देख के बताना कि आपको इसकी प्रेजेंटेशन लुक जो है जी वो कैसे लग रही है। बाकी टेस्ट करके जो है ना जी हम आपको बताते हैं, करें भी टेस्ट। चलो जी शुरुआत हम करने लगे हैं सबसे पहले चाय से, और चाय के साथ में क्या लेगा ये बता भाई, वड़ा पाव या वड़ा पाव। चल ठीक है भाई, आज तो सबसे पहले छूटते ही सीधा ही वड़ा पाव बोल दिया। चलो जी सबसे पहले एक चाय की चुस्की, उसके बाद वड़ा पाव टेस्ट करेंगे, करें भाई। चलो जी भाई चाय का टेस्ट वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मसाले वाली चाय जो उन्होंने बोली है, चाय का फ्लेवर, चाय पत्ती का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वड़ा पाव मेरे को जो है ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मुझे इसके अंदर ना गार्लिक का फ्लेवर जो है ना सिर्फ वही एक फ्लेवर आया, उसके अलावा और कोई फ्लेवर नहीं। गार्लिक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी पाव जो है ना जो बेस है वो इतना ज़्यादा खास नहीं लग रहा, वो इतना ज़्यादा खास नहीं है। हालांकि बेस जो है पाव सॉफ्ट है, ऐसी बात नहीं है कि सॉफ्ट नहीं है, लेकिन ना सिवाय गार्लिक के इसके अलावा और कोई टेस्ट नहीं। चाय का प्राइस बता देता हूँ जी आपको, चाय आई जी हमारी 120 रुपए की जी, दो कप, और वड़ा पाव जी 99 रुपीज का, वो भी सिंगल। तो प्राइस तो वो आप लोग ही बता देना जी। देखो अगर वहां बैठ के खा रहे होते ना तो शायद मैं कहता कि हाँ चलो थोड़ा सा एम्बियंस है, थोड़ा एसी वगैरह लगा हुआ है, तो हमने तो घर पे मंगवाया है तो उसके हिसाब से प्राइस हमें तो ज्यादा लग रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये आप हमें कमेंट करके बताना। अब ट्राई करते हैं जी समोसा, समोसा ट्राई करें। प्राइस पहले बताइए, पहले टेस्ट कर लेते हैं पहले टेस्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको बाकी आप बताओ कितना हो सकता है इसका। हाँ अंदाजा करो कि ये दो समोसे कितने के आएंगे, प्लीज छोटा सा जो है ना कमेंट करने की कोशिश करो, सुनने से पहले कमेंट करो, और कमेंट नहीं भी करना तो गेस करो। चलो ठीक है टेस्ट करते हैं इसको आज। बस समोसा जो है ना वो तो स्वाद है, मसाला वगैरह जो अंदर बना हुआ ना काफी कमाल का, टू गुड भाई मजा आ गया। और इसके साथ ना अगर चटनी होती तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ ये नेक्स्ट लेवल चला जाता। टमाटर केचप दिए उसके साथ मजा नहीं आता खाने में, लाल हरी चटनी दूसरी होती तो मजा आता। मुझे तो वो बंदे ही नहीं अच्छे लगते जो भाई समोसे के ऊपर जो है ना केचप डाल के खाते हैं, भाई कौन खाता है यार। हरी चटनी होनी चाहिए, उसके बाद धनिया पुदीने वाली या लाल बनी हुई होनी चाहिए जो होती है। बिल्कुल भाई टेस्ट बहुत अच्छा है जी। प्राइस आपको बता दे, प्राइस आप बताना। 149 रुपीज हमने पे किए, अच्छा है कि नहीं है। ठीक है जी 150 रुपए मान के चलो, 1 रुपए तो कम है, 150 यानी कि 75 रुपए का जी एक ये समोसा एक है। हमारा समोसा है जो छोटी सी हथेली पे बड़े आराम से आ जाता है, टेस्ट अच्छा है नो डाउट। नेक्स्ट जी हमारे पास 3 चीजें रह गई जी, और 2 चीजें टेस्ट करने करने पे चाय का कप जो है जी आधा हो गया है। इसके अलावा हमारे पास एक घुट चाय जो है ना डालने की नहीं है, और ये मेरे को कहीं से भी जो है 100 ml का गिलास लग नहीं रहा। नेक्स्ट हम ट्राई करने लगे हैं जी कोल्ड गार्लिक ब्रेड, कोल्ड गार्लिक ब्रेड, इसको हमने थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म कर लिया है, देखते हैं एक बार थोड़ा सा पुल्ड करके होता कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, चलो देख लेते हैं ना। कुछ ये हल्का सा आया भाई, बहुत ही हल्का सा आया। चलो जी टेस्ट करते आ जाओ इसको। भाई इसके अंदर ना गार्लिक जरूरत से ज्यादा भरा हुआ है, जिसको गार्लिक खाना पसंद है ना वो तो खा जाएगा, अदरवाइज बाकी छोड़ देगा। मुझे लग रहा है
इनके यहाँ पे जो कुक साहब है ना, जो शेफ साहब है, उनको गार्लिक बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने वड़ा के अंदर भी जो है ना जी दबा के गार्लिक डाल रखा था, इसके अंदर भर भर के इसके है। अंदर भी जो है ना दबा के भरा हुआ है। इवन गार्लिक के छोटे छोटे से ना पीसेस जो होते हैं ना कट किए हुए, वो तक डले हुए हैं। अदरवाइज गार्लिक ब्रेड हमने कई बार खाई है, पीसेस नहीं दिखते। लेकिन ये खाने में ना थोड़ी सी मुझे बहुत वो ड्राई ड्राई सी लगी है, टाइट, मेरे को जबरदस्ती अंदर भेजनी पड़े। चाय मैं इसलिए नहीं पी रहा, मैंने कहा अगर इसको पी लूंगा तो यार उसके बाद जो एक होते ना कि भाई सब कुछ खाने के बाद जरा सी चाय चाहिए, तो वो एक बैलेंस मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया कि सारा दो क्वांटिटी दे रहे हैं, 200 ml और 400 ml। मेरे ख्याल से मैं इतना खाने के लिए ना 400 ml मंगवानी चाहिए। टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है जी, मेरे को फिर भी जो है ना बहुत पसंद आया। प्राइस है जी 259 rupees। अब बारी है जी पनीर कुलचा या सैंडविच वो क्या करे, ये या वो? कुलचा ट्राई करते हैं। चल कुलचा ट्राई करते हैं, ले ले उठा ले एक पीस। और कुलचे के लुक के हिसाब से लग रहा है कि मेरे घर से सारों में से सबसे अच्छा निकलने वाला है ये। चलो जी टेस्ट करते आ जाओ। बट टेस्ट जो है ना इसका वो तो सही है, स्टफिंग वगैरह भी काफी अच्छी भरी है, मतलब ना हर बाइट में आपको पनीर वगैरह मिलने वाला है इसमें। और शुक्र है कि इसके अंदर गार्लिक का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं है, तो वो जो पनीर की जो भुर्जी टाइप फ्लेवर होता है ना, इसके अंदर वो वाला फ्लेवर है और अच्छा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये दोनों के बाद में ये मेरे को खाने में मजा भी आया। इसका प्राइस बता भाई क्या है? भाई पनीर कुलचे का प्राइस है 215 rupees। 215 rupees, तो ये मतलब 107 rupees का एक हुआ, ठीक है। और वैसे भी जो जो इंडिविजुअल प्राइस बता रहे इसके बाद GST भी तो लगता है थोड़ा बहुत। चलो ठीक है जी, लास्ट हमारे पास है जी क्लब सैंडविच, तो अब इसको भी टेस्ट कर लेते थी और इसका प्राइस आपको इसको खाने के बाद ही बताएंगे। टेस्ट करते हैं। मेरा डिसीजन तैयार है भाई, पहले तू बोलेगा या मैं बोलूँ? तू बोल रहा। मैं बोलूँ भाई, मुझे मज़ा नहीं आया इसको खा के। इसके अंदर जो आलू की जो स्टफिंग है ना, वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जो वड़े वाली स्टफिंग है ना वो, प्लस टमाटर और जो चीज़ों का फ्लेवर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बैठा। एक सिर्फ इसके अंदर जो सबसे मेन दो फ्लेवर आया, एक हल्का सा गार्लिक का और एक चीज का। चीज का फ्लेवर सबसे ज्यादा पता चल रहा है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं खास पता चल रहा, मजा नहीं आया। इसके अंदर ना वो चीज स्लाइस लगा रखे है, उसका फ्लेवर फिर भी ठीक ठाक आ रहा है, अदरवाइज और कुछ नहीं आ रहा जी। और इसका प्राइस है जी 299 rupees। 299 rupees, ठीक है जी, जिसके अंदर ये पूरा एक ऐसा बड़ा सैंडविच आपको आएगा। टेस्ट के बारे में हमने बता दिया, हमने बता दिया कौन कौन सी चीज अच्छी लगी और कौन सी हमें नहीं लगी। प्राइसिंग के बारे में जी आप डिसाइड करो। लास्ट में जी अपने पास छोटी सी थोड़ी सी चाय बची है, तो मैं इसको एंजॉय करता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको हमारी ये आज की वीडियो कैसे लगी। बाकी भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिला था, जो डिस्काउंट के बाद ओवरऑल जो हमारा पूरा पेमेंट हुआ है वो है जी 1017 rupees। 1017 rupees में जी ये हमारी 6 चीजें आई हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हो, थोड़ी बहुत आप भी अपनी सजेशन दिया करो। नहीं, तो हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे जी, जो आप अपनी लिस्ट दोगे, जो कमेंट्स आया करेंगे उसी में से हम वीडियो सिलेक्ट करके कोशिश करेंगे वही बनाएंगे। हमारे लिए भी इजी हो जाएगा क्योंकि अब हमें लग रहा है, जैसे एक हमारे वो हैं सब्सक्राइबर, उन्होंने हमें कुछ 5-6 ढाबों के जो ना जो साउथ दिल्ली के ही है तो उन्होंने भेजा, जिसमें से एक हमने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। बाकी जी और भी करेंगे, आप भी कमेंट करो आपकी जो है ना राय के हिसाब से, अब हम पक्का पूरा का पूरा चलने की कोशिश करेंगे। और ना जिसकी वीडियो हम बनाएंगे ना उनको सामने शाउट आउट भी देंगे कि भैया इनकी वीडियो हमने सजेशन से ली है। चलो ठीक है। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ज्यादा ही ट्रेन छोड़ दी मैंने।